और प्रयागराज में आज मिशन प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज को लेकर वॉकथन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रयागराज के चिकित्सक, नागरिक और समाज सेवी संस्था से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। वॉकथन के माध्यम से नागरिक और डॉक्टरों ने दुकानदारों और बाजार में खरीदारी करते हुए लोगों के बीच जाकर प्लास्टिक का प्रयोग न करने और इससे होने वाले नुकसान के बारे में अवगत कराया। साथ ही बाजार में खरीदारी कर रहे लोगों को कपड़े का झोला वितरित किया। ये वॉकथन प्रयागराज चंद्रशेखर आजाद पार्क से शुरू होकर हनुमान मंदिर, बस अड्डा होते हुए सुभाष चौराहे पर जागरूकता कार्यक्रम के साथ समाप्त हो गया। कार्य करना है क्योंकि सब कुछ कलुषित हो रहा है, सब कुछ पॉइजनस हो रहा है, लैंड, वाटर, एयर, एवरीथिंग इज गेटिंग पॉइजन। तो हमें ये एक और पॉलीथीन ऐसी चीज़ है जिसको बहुत आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, इट इज़ वेरी इजीली रिप्लेसेबल। हम ये कपड़े का झोला, जो हमें बच्चों को शर्म आती है, आदमी को, इंसान को, कि हम एक झोला लेके कैसे पॉकेट में जाए, बट ऑफकोर्स वी कैन टेक दिस एंड इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल। हम घर में भी स्टिच कर सकते हैं दुपट्टे से, पुराने चादर से, साड़ियों से, बट प्लीज़ डोंट यूज़ पॉलीथीन। कि प्लास्टिक नष्ट नहीं होती, जानवर भी प्लास्टिक जो खा रहे हैं, और समुद्र में जो प्लास्टिक ट्रिलियन का वजन हो गया समुद्र पे भी, जो कि नष्ट नहीं हो रहा। अगर हम प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज, सबसे पहली स्मार्ट सिटी थी जिसको बराक ओबामा ने भी चूज किया, तो सबसे पहले हमारा अभियान है कि हम प्रयागराज को प्लास्टिक मुक्त करें। लोगों को ये अवेयर कर रहे हैं कि झोला जो है आप अपने पुराने कपड़ों से बनवा सकते हैं, वो झोला जरूर अपने गाड़ी में रखें।